गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक घोड़े को दुलारते हुए फोटो वायरल हो रही है। वायरल फोटो में दिख रहे घोड़े का नाम विराट है। विराट कल अपनी सेवाओं से रिटायर हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होने के बाद घोड़े विराट को विदाई दी। विराट ने अपने कार्यकाल के दौरान कई राष्ट्रपतियों को सलामी दी थी। राष्ट्रपति के बेड़े के विशेष घोड़े विराट को प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के चार्जर के तौर पर भारतीय सेना ने विशेष सम्मान दिया है। विराट को अपनी योग्यता और सेवाओं के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। विराट यह प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाला राष्ट्रपति के अंगरक्षक बेड़े का पहला घोड़ा है। विराट ने रीमाउंट ट्रेनिंग स्कूल हेमपुर से ट्रेनिंग पूरी की थी। घोड़ा विराट 2003 में राष्ट्रपति के अंगरक्षक फैमिली में शामिल हुआ था। विराट को अपनी योग्यता और सेवाओं के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। विराट को ये सम्मान उसके अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया गया है। कल विराट की रिटायरमेंट के मौके पर पीएम विराट के बारे में बातें करते दिखे। उन्होंने विराट को खूब दुलारा। उन्होंने वहां खड़े जवानों से भी विराट के बारे में जानकारी ली। विराट होनोवेरियन नस्ल का घोड़ा है। विराट राष्ट्रपति के अंगरक्षक के चार्जर के रूप में भारतीय सेना उसे विशेष सम्मान दिया है। एक अधिकारी ने विराट को लेकर बताया है कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान घोड़े ने अपने बुढ़ापे के बावजूद असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था। विराट को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी को औपचारिक परेडों में अनुग्रह और गरिमा के साथ एस्कॉर्ट करने का गौरव प्राप्त है।